हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। इस वीडियो में हम लीट कोड की प्रॉब्लम मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच कर सकते हैं और सी शार्प में इस प्रॉब्लम का कोड हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो इसमें हमें दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट दी होती है, यानी कि लिस्ट वन और लिस्ट टू, दो हमारे पास लिंक लिस्ट आएंगी और दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है। जैसे इस एग्जाम्पल में 1, 2, 4, 1, 3, 4, ये दो लिंक लिस्ट है और दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है। हमें इन दोनों लिस्ट को मर्ज करके एक सिंगल लिस्ट बनानी है और जो फाइनल आउटपुट होगा वो भी हमारा सॉर्टेड होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में सिंपली हमें दोनों लिंक लिस्ट को आइट्रेट करके अपनी फाइनल लिंक लिस्ट बनानी है। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने का सिंपल तरीका इतना है कि आपके पास शुरू में दोनों के हेडर मिलेंगे। आपको सबसे पहले इनिशियल आइटम को कंपेयर कर लेना है कि कौन सा स्मॉलर है और वहां से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इस केस में हम यहाँ से अपनी लिस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ये आइटम उठ के हमारे पास आ गया नई लिस्ट में, एंड इसके बाद इस लिस्ट का हेड मैंने यहाँ मूव कर देना है कि अब मेरा ये आइटम यहाँ जरूरत नहीं है, मैं अब यहाँ से देखूंगा। तो अगेन इन दोनों का अब कंपैरिजन होगा। अब ये आइटम स्मॉल है तो ये आइटम उठ के यहाँ सेकंड स्टॉप पे आ गया और ये इंडेक्स मूव हो गया यहाँ पे। तो अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, 2 और 3 में अगेन ये स्मॉलर है तो ये उठ के आ गया मेरा यहाँ पे और इधर से ये मूव हो गया 4 पे। अब 4 और 3 के बीच में कंपैरिजन होगा तो ये वाला स्मॉलर है, ये उठ के आ गया यहाँ पे और इसका इंडेक्स मूव हो गया नेक्स्ट पे। फाइनली ये दोनों बचे, फर्स्ट ये आ गया यहाँ पे और इसका इंडेक्स बेसिकली यहाँ पे नल पे सेट हो गया है। तो जिस पॉइंट पे यहाँ पे नल पे सेट हो जाएगा उस पॉइंट के बाद आपको कंपैरिजन करने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर ये आइटम में और भी कुछ यहाँ पे 5 या 6 वैल्यूज होती तो आपको कंपैरिजन बार बार 4 का नल से 5 का नल से 6 का नल से करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा देखते यहाँ नल आ गया है तो एज इट इज ये यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट उठ के यहाँ पेंड हो जाती, तो ये हमारी लिस्ट बन जाती इस तरीके से 1, 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आगे होता तो पूरा का पूरा वो बनता चला जाता। तो इस अप्रोच को अब हम सी शार्प के कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि एक्चुअली ये कैसे अचीव की जा सकती है। तो क्योंकि इसके एग्जाम्पल में यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास नल बेसिकली ब्लैंक लिस्ट भी आ सकती है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इनकी एक बेस कंडीशन ऐड कर देता हूँ, इफ लिस्ट 1 इक्वल नल तो रिटर्न कर देना है सिंपली लिस्ट 2 को। बेसिकली हमारी अगर एक लिस्ट नल है तो हमें दूसरी लिस्ट उसी टाइम पे रिटर्न कर देनी है, चाहे दूसरी लिस्ट में कुछ भी हो क्योंकि सॉर्टेड तो वो ऑलरेडी आएगी ही। तो ये हमारे बेस केस कवर हो गए हैं। तो सबसे पहले हम अपनी नई लिस्ट का हेड बना लेते हैं, लिस्ट नोड हेड अभी के लिए है वो नल। अब इन दोनों में से जो भी स्मॉलर है मैं उसको यहाँ पे सेट करा लेता हूँ, लिस्ट 1 डॉट वैल ग्रेटर देन लिस्ट 2 डॉट वैल, तो हेड हो गया लिस्ट टू हो गया लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लिंक लिस्ट जिस तरीके से वर्क करती है, यहाँ पे जो हम लिस्ट 1 या लिस्ट 2 बोल रहे हैं जो उनका हेड है मेन, उसका एक तरीके से एड्रेस है हमारे पास। तो जब मैं लिस्ट 2 को लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट सेट कर रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे 1 की जगह पे 3 को उसका हेडर सेट कर दे रहा हूँ, बेसिकली इस आइटम को एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। और सिमिलरली एल्स में यहाँ पे लिस्ट 1 और यहाँ पे लिस्ट 1 को नेक्स्ट एलिमेंट पे मुझे पहुँचा देना है। अब हमें आइट्रेट करना है इन लिस्ट्स को, तो एक करंट नोड लूंगा मैं जिसको अभी मैंने निकाला है हेड को उसके बेस पे। डायरेक्ट मैं हेड को आइट्रेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें एंड में ये हेड को रिटर्न भी करना है, तो मैं उसको ऑलरेडी यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न हेड। तो एंड में हमारा हेड रिटर्न होगा, तो हेड हमारा फिक्स हो चुका है इफ एल्स लॉजिक के बाद ही। अब उस हेड के आगे की मुझे लिंक लिस्ट ये बनानी है, तो उसके लिए हम करेंगे व्हाइल लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल एंड लिस्ट 2 नॉट इक्वल टू नल, यानी कि जब तक दोनों लिस्ट में एटलीस्ट एक एक वैल्यू है वो जब तक नल पे नहीं पहुंच जाती हैं तब तक हमें आइट्रेट करना है। एक भी नल पे पहुंच गई तो उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था कि आइट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन लॉजिक कुछ इसी तरीके का लगेगा, तो अगर लिस्ट 1 की वैल्यू लिस्ट 2 से ग्रेटर है तो हेड की जगह पे हमें बस यहाँ पे सेट करना है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट 2, तो जिसकी वैल्यू स्मॉल है करंट डॉट नेक्स्ट में वो सेट हो जाएगा और लिस्ट 2 को हम नेक्स्ट पे पहुंचा देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें हेड की जगह पे अब सेट करना है करंट डॉट नेक्स्ट, और हर बार करंट को हमें करंट डॉट नेक्स्ट पे कर देना है।
तो बेसिकली लूप स्टार्ट करते टाइम मैंने करंट को हेड पे सेट किया था, जैसे ही इन दोनों लिस्ट में से एक वैल्यू और ऐड कर दी मैंने तो करंट को मैं एक आइटरेशन आगे ले गया। तो हम यहाँ पे इतना ही कर रहे हैं कि अपना करंट से ट्रैक रख रहे हैं कि हमें कहाँ पे ऐड करना है, और लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट वन डॉट नेक्स्ट या ये लिस्ट टू को लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो हम अपने लिस्ट में आगे बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारे करंट में ऐड होता चला जा रहा है। तो जैसे ही ये लूप हमारा खत्म होगा इसके बाद मुझे सिंपली चेक करना है इफ लिस्ट वन नॉट इक्वल टू नल तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट वन। अगर लिस्ट वन नल नहीं है और ये लूप खत्म हुआ है तो मतलब लिस्ट टू नल हुआ होगा, और अगर ये नल था यानी कि एल्स केस में तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू लिस्ट टू। तो बेसिकली जो भी लिस्ट नल हुई थी उससे दूसरी लिस्ट को मैं यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट में सेट कर दूंगा, जो हमने डिस्कस किया था कि एक लिस्ट नल हो जाती है तो मैं बाकी की दूसरी लिस्ट पूरी की पूरी एज इट इज अपेंड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज कर सकता हूँ। अब इसको रन करके देखते हैं तो मेरे यहाँ पे तीनों केस एक्सेप्ट हो गए हैं, और अगर इसको मैं सबमिट करके देखूँ तो ये मेरा सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लिंक लिस्ट की इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। आपको सिंपली पॉइंटर्स बना के अपनी दोनों लिस्ट को ट्रैक रखना है, और जो फाइनल आप आउटपुट लिस्ट बना रहे हो उसको करंट के थ्रू आप ट्रैक रख सकते हो, और इन लिस्ट को धीरे धीरे करके आप मर्ज करके एक बड़ी लिस्ट बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।